चीमा साहब, इमरान खान ने 3 दिन पहले अपनी तकरीर में कहा था कि हुकूमत की ज़मीनों पर सरकारी लोग काबिज़ हैं और उन्होंने भी आगे कब्जे करवाए हुए हैं। कुछ सरकारी ज़मीनों की जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वहाँ तक नहीं पहुँच रही मुख्तलिफ महकमों की, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना डिस्प्लेयर भी कन्वे किया और फिर उन्होंने एक हुक्म सादर फरमाया है, और अब शायद वो रूल्स भी उसको चेंज कर रहे हैं कि जो भी सेक्रेटरी, मिनिस्टर या कोई सरकारी महकमा ये इंफॉर्मेशन छुपाएगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। उसमें साबिक सेक्रेटरी से कौन कौन से सरकारी मुलाजमीन थे जिन्होंने सरकारी ज़मीनों के ऊपर यानी सरकारी फ्लैट्स के ऊपर कब्जे किए हुए थे? मसला ये होता है कि ये बहुत निचले लेवल पर जाकर, फ़र्ज़ करें एक घर मुझे अलॉट होता है, मैं जाते जाते अपने किसी दोस्त को दे जाता हूँ, वो जाकर एक स्टे ऑर्डर ले आता है, उसके बाद वो बैठा रहता है उस पर। टू द मार्क वार गुजार का सिलसिला जारी है जी इस्लामाबाद में, बहुत अच्छा है जी। इस्लामाबाद में सिर्फ 13-14 घर रह गए हैं या 20 के करीब होंगे आउट ऑफ 500 एंड समथिंग, बाकी हमने सारे वो खाली करवा के आगे फर्दर लोगों को हमने अलॉट भी कर दिए हैं, लेकिन थोड़े से इश्यूज़ कराची आ रहे हैं। तो बहुत इतने नजायज़ कब्ज़े हैं, पिछले साल हर साल से लोग कब्ज़ा करके वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो ऑन बोर्ड है, और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला वहाँ पर भी हम ये अटैम्प्ट करने लगे हैं कि हम ये खाली करवाएं। कुछ सियासी लोगों की तरफ से भी कराची के अंदर माजी में वोट के चक्कर में गैर कानूनी अलाटमेंट्स हुई जी, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल हुई। एक सबका वजीर साहब थे, मुझे अब उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने एक उनको एक गलत लेटर एक जारी कर दिया जिसमें उन लिखा कि आप इसकी ओनरशिप के लिए इंटाइटल्ड हो, 4-5 हज़ार क्वार्टर है। उधर भी एक और भी बड़े एक स्टोरी आलमिया है कि वो भी दूसरी तीसरी जगह पर बिक चुके हुए हैं। जुनूबी पंजाब की सियासत शाह महमूद की और जहांगीर तरीन की फेडरल के अंदर आ गई, आपस के अंदर वर्डिंग का सिलसिला शुरू हो गया, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? देखें जी, मैं बताऊँ, हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हम इतादी हैं, हम अच्छे नहीं लगते कि इस पर कमेंट करें, वो उनका ज़ाती मामला है, उनका निजी मामला है, वो प्राइम मिनिस्टर जाने, शाह महमूद कुरैशी साहब जाने, जहांगीर तरीन साहब जाने, तीनों मोतबर शख्सियात हैं, तीनों सीजनड लोग हैं, सो दिस इज दी, लेट अस लीव इट टू दी प्राइम मिनिस्टर। मामलात हल हो जाते हैं, ये चलते रहते हैं जी, हो जाते हैं जी, ये पार्टीज़ में होता रहता है, कभी कोई इशू आ गया, लेकिन छोटे मोटे ये प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं वो, लेकिन चूंकि आजकल वो एक शोर ज़्यादा पड़ जाता है।